लोडा की इंतजामिया के अहम शोभा के तौर पर मैं ये जरूरी समझता हूँ कि जनाब वजीर आला पंजाब की आमद पर उनको लोडा पुलिस का एक मुख्तसर तारुफ उनकी खिदमत में गौर गुजार कर जनाबे वाला यकम जुलाई 1994 को जब लोडा को हुकूमत पंजाब ने 32वें जिला का दर्जा दिया उस वक्त इस सब जमीन के अंदर 6 थाने थे और एक सब रीजनल ऑफिस था। उस वक्त लोडा पुलिस की कुल मशीन 205 कांस्टेबलों और इसी तरह से दीगर अफराद बशमोल एक डी एस पी पर मुश्तमिल थे, लेकिन जिला बनने के बाद अब मंजूरशुदा नफरी की पोजिशन दर्ज दायर है। एक एस पी, 6 डी एस पी, 15 इंस्पेक्टर, 26 सब इंस्पेक्टर, 48 ए एस आई, 55 हेड कांस्टेबल और 480 कांस्टेबल। लेकिन इस वक्त तकरीबन 4 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 3 ए एस आई और 134 कांस्टेबलों की कमी इस जिला में है। जिला बनने के बाद थानों की तादाद 10 हो गई है, जिनमें तहसील लोटा में 4, तहसील करोड़पका में 3 और तहसील दुनियापुर में 3 थाने हैं। जनाबे वाला जिन मसायल से हमें यहाँ जिन मसायल का हमें सामना है मैं मुख्तसरन उनकी भी इजाज़त करते चलूँगा। सबसे बड़ा मसला हमारे लिए दफातर और रिहायशी इमारात का न होना। एस टी ऑफिस भी ये जो आखिरी अभी एस टी ऑफिस बना है ये जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की खसूसी ग्रांट के तहत तामीर किया गया है। इसका सबसे ज्यादा तकलीफ पुलिस लाइन न होने के बायस है। लल्ला मंडी की 4 दुकानें किराए पर हासिल करके वहां पर आर्थिक तौर पर काम चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी काफी मुश्किल पेश आ रही है। इसके अलावा पुलिस लाइन, दफातर और दीगर रिहायशी इमारात की तामीर के लिए इस साल भी कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। जिला के 10 थानों में से सिर्फ 4 थाने ऐसे हैं जिनकी इमारात है, बाकी 6 थानों के लिए कोई सरकारी इमारत नहीं, जिसकी वजह से किराया की मत में हुकूमत को इजाफी बोझ उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर बरोज के थानों की इमारतों की तामीर शुरू हो जाए तो ये बोझ जल्द बढ़ सकता है। इसी तरह एस पी और डी एस पी के अहदे के अफराम के लिए भी कोई रहाय किराए मौजूद नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मसला आबादी और पुलिस का तनाव। जिला की तकरीबन 12 लाख आबादी के लिए इस सब शहरी इलाका के 3 थानों की 1.5 लाख आबादी के लिए सिर्फ 50 कांस्टेबल तैनात है, जबकि 10.5 लाख दिल्ली आबादी के लिए तकरीबन 100 कांस्टेबल तैनात हैं। इस तरह से ये ट्रांसफर शहरी इलाकों में हर 3,000 अफराद के लिए 1 कांस्टेबल और दिल्ली इलाकों के लिए हर 11,000 अफराद के लिए 1 कांस्टेबल है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये ट्रांसफर हर 200-300 अफराद पर 1 कांस्टेबल का होता है। और कॉन्स्टेंटाइन कमीशन के मुताबिक भी हर 450 शहरी आबादी और हर 900 देही आबादी के लिए 1 कांस्टेबल। नफरी की कमी की वजह से जरायम की रोकथाम और गश्त में काफी दुश्वारी का सामना है। गाड़ियों का फ्लीट भी बहुत पुराना है, सिर्फ 3 थानों में नई गाड़ियां हैं, बाकी 7 थानों में पुरानी गाड़ियां आए दिन खराब है। वसाइल की कमी के बायस जरायम पर मौसर तरीके से काबू पाया गया है,
पिछले साल जून जुलाई में जो डकैतियों की एक शदीद लहर चली थी उसका कला तमाम कर दिया गया है। सात सात साल पुराने मुजरमान इख्तियारी पुलिस के साथ मुख्तलिफ मुकाबलों में मारे गए हैं और इस जिला के अवाम ने सुरखा सांस लिया है। पुलिस की शानदार कामयाबी के दौरान हमारे दो अफसरान जावेद इस्लाम शहीद इंस्पेक्टर और अकरम शाह शहीद SI ने मेरी आंखों के सामने जाम शहादत नोट किया है। इनके लिए हुकूमत पंजाब ने कमाल मेहरबानी से काम लेते हुए आजाद उम्र पर जमीन की मंजूरी देने का पर आमादगी जाहिर की है। जिला कर पोर्टल टाइम तकरीबन 2500 है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वसाइल की कमी के बावजूद दोनों पुलिस इंशाल्लाह आपकी तो पूरा करेगी। थैंक यू। पाकिस्तान भारत ने वजूद चाया अल्लाह वजीर आला पंजाब द्वारे दुआ करो परिचय मौला सबरा भी मंगना है सारे जिले के अगवाड़ो जी Thank you.